ये लो, ये तो यहाँ भटक रहा है। आ भाई दूल्हे राजा, शादी में क्यों नहीं बुलाया? दिल नहीं किया। चल ठीक है, पर रोड पे क्यों भटक रहा है तू? अमेरिका जा रहा हूँ। अजीत भाई, मेरा धंधा तो चौपट कर दिया, पर अपनी पोली पत्नी की जिंदगी खराब मत कर। तू सचमुच शहर छोड़ के चला जा भाई। ओए, इसीलिए मैंने तेरे को बुलाया नहीं। ये तो मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैं बिना बुलाया खाना भी खा के आ गया। खाना बिल्कुल तेरे जैसा था भाई। अबे सांड निकल, तो लूंगी उतार दूंगा, चल भाग जा अमेरिका। आप कहाँ चले गए थे? टहलने गया था, चलते चलते थक गया, घर गया सो गया, उठा बाथरूम जाके नहा के फ्रेश हो के आ गया। वैसे भी 6 बजे पहुंचना है ना, अपने पास बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। ये लो, खुश रहो बेटा। आइए ना। जीजा जी, मुझे भी पैर छूना पसंद नहीं है, ये सब पुरानी रस्में, इनकी क्या जरूरत है? वैसे भी इनकी दुआएं हमारे साथ तो रहती हैं हमेशा। अरे तुलसी, तू भी छोड़ना, ये सब क्यों कर रही है? अरे किस्मत वालों को ही बड़ों की दुआ मिलती है। अगर जिंदगी को थोड़ा सीरियसली लोगी ना, जीना आसान हो जाएगा। अगर हल्के में लोगी ना, तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, समझ गई बेटा। खुश रहो। हाँ बोलो। ये दामाद के चेहरे पे इतनी अकड़ क्यों है? उसको और भी ज्यादा दहेज चाहिए, बोलो देते हो क्या? अच्छा लग रहा है, अकड़ बनी रहे। खुश रहो बेटी। अरे तुलसी, पहले बड़ों का आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं, भाई के पैर नहीं छूते, शगुन समझ लो, हमेशा खुश रहो। अरे अरे अरे, बहने पैर नहीं पड़ती, गले लगती हैं। अरे अरे पगली, इतना रोना किस बात का? मैं, बाबा, भाई, हम लोग सब तुझसे मिलने आया करेंगे ना। माँ से समझाओ। आ जाओ, नाना नानी से आशीर्वाद ले लो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इंशाल्लाह। खुश रहो। सलामत रखे। बाबा, अंकल और आंटी और बाकी सभी बड़े बुजुर्ग, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कभी गलती से आप लोगों का दिल दुखाया हो। मैं किस्मत वाली हूँ कि आप लोगों का प्यार मिला। माँ, मेरी अपनी माँ ने भी मुझे कभी इतने प्यार से नहीं पाला। आपका एहसान मानने के लिए मुझे एक जिंदगी कम पड़ेगी। मेरे भाई ने मेरे खातिर जितना सहा है, उतना कोई नहीं सह सकता। चलो चलो, देर हो रही है। मैं तुम्हें अपने बेटे को देख रहा हूं, वो मरा नहीं है बेटा, अब भी जिंदा है। खेल को खेल की भावना से लेते हैं और हारने पर बुरा नहीं मानते। इन दोनों को बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, दोनों में गहरी दोस्ती है। ये लोग खेल के नाम पे धंधा कर रहे हैं, ये दोस्ती इनको एक न एक दिन महंगी पड़ेगी। हुँ। 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 हुँ।
क्या हंस रहा है? चल यहाँ से, चल। संकी है। देख कौन आया है। वापस आ गए। ये हिम्मत वाला है, इसे रखिए। ये तेरे लिए। ये लीजिए। अरे क्या कर रहा तू? अरे हासिल करना ही होगा दोस्त। अगर हमने शादी कर ली तो गांव में बवाल मच जाएगा। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरा दोस्त भी बोलेगा हम मान जाएंगे। समझा रहा हूँ ना, मान जा। रामेश्वर, दूसरे गांव से लड़की भगाकर या दंगा करवाएगा क्या? तुम्हारे किसी काम में कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। ए, भाई इधर जाता है। बस बहुत हुआ। तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। सब ठीक हो जाएगा। चल चल। हमें हराने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा अकड़ है तुझे। ए, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। जूता निकाल के मारूंगा। ये क्या बोला रे? अरे छोड़ उसे, जाने दे। छोटी सी बात बता ही क्यों कर रहा है तू? बात को आगे मत बढ़ा। आगे ना बढ़ाओ, छोड़ना। इनको तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। चल चल यहाँ से। हार ले गया तू, ये पैसे रख। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। छोड़ना सबको, ये पैसे रख। हाँ से कर। चल चल रख ले। आपको दू? ये ले दोस्त। कोई हरा नहीं सकता आप उनको। चल तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। लड़का या लड़की? लड़का पैदा हुआ। अब तो खुश हो जा। आजा बेटा। इसकी जरूरत नहीं। अरे बैठ ना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? चलो चलो चलो, आराम से। छुरी मैंने लाती लग रहा है, ये ले। चल इसे ले, राजा तू मेरे पास। जैसे मारता है मुझे। धर्मा चल। भैया किसी ने हमारे धर्मा को मार दिया। किसने? धर्मा मेरे भाई। ए, चल भाग। ए, 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 धर्मा धर्मा मेरे भाई, ये क्या हो गया? ए, ए, धर्मा धर्मा। सब बाहर ही सो गए। क्यों रे? मेरे घर के अंदर घुसती थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई है मेरी मदद करो। देखो कहां से आ गया। कौन है? कौन है? कौन है? क्या क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं तेरे को। दोबारा यहाँ दिखा ना तो जान से मारूंगा। हट, हाँ कैसे? दोबारा दिखाई मत देना। ए, तू कहाँ जा रहा है? दिमाग तो सही है ना तेरा? चुपचाप अंदर चल।
सुनिए, इसे रख लो, ये कुछ पैसे हैं खर्चे के लिए, ले लो ना। चलता हूं। रामेश्वर। हाँ। सुना है कि हर चीज तुम दो दो खरीदते हो। जानते हैं, अगर मैं मरता तो धर्मा भी यही करता। बच्चों को ज्यादा मत डांटा करो, वो अपने आप ही सीख जाएंगे। अब तुम जाओ। उस घटना के बाद अक्सर रामेश्वर अपने दोस्त की पत्नी और उसके बच्चों का हाल लेने के लिए उसके घर जाने लगा। वो दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। रामेश्वर को कुछ बोलेंगे नहीं आप? हाँ भाभी भी कहाँ कुछ बोल रही हैं। पूरा गांव हमारा मजाक उड़ा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पानी गर्म हो गया क्या? गांव वाले क्या बातें करते हैं आपको सुनाई नहीं देता क्या? क्या हुआ? अरे बाप रे। मैं आग की कसम खाकर कह रहा हूँ कि जैसा भी गांव वाले समझ रहे हैं, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। पैसे से ही नहीं, लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर भी उनकी मदद की जा सकती है। हर रिश्ता गलत ही होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग मुझे गलत ना समझे इसलिए मैंने ये बात बताई। मैं सबकी बात क्यों सुनूं? मुझे आप पे विश्वास है, भरोसा है आप पर, इसलिए पूछा कि आपके कान तक ये बात पहुंची या नहीं। मैं बहुत पहले से ये सब सुनता आ रहा हूं। है इतनी सी बात के लिए ढेर सारी मिर्ची क्यों जला दी? मिर्ची का भाव तुम्हें पता है? हमेशा अच्छे कपड़े पहन के ढंग से रहा करो। हां पापा, खाना तैयार है पापा। मेरे पास आओ तुलसी। तूने खाना खाया? हाँ। क्या खाया? दाल चावल पापा। चूहे फसलों को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अरे अब क्या करें?